हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप तो आ गए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो हमारा किससे रिलेटेड है पिछला वीडियो हमने देखा था क्या लेना चाहिए अगले पार्ट में बात करेंगे हमारे कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक रहने वाली है तो सर पहले में आपको दो ऑप्शन दिया गया था तो कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक रहेगी तो सबसे पहली बात एच की बात कर लेते हैं तो एच आपका सब्जेक्ट अगर जो बच्चा चूज करता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रेन टेन ईयर तो लोगे जहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा लेकिन हाँ आंसर लिखने के लिए आप फर्दर रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो जो कि बुक्स का नाम मैं बताता जाऊंगा आपको और आपको क्लियर होता जाएगा सर देखिए यहाँ पे बड़े सारे ये SOL की है यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने नाम सजेस्ट किए हुए हैं कि आप इन नाम में से कोई भी ले सकते हो बट फिर भी आपको वो बुक लेना होगा जो कि आपके लिए इजिएस्ट हो और सिंपल आपको समझ में आ जाए तो हालांकि एच के लिए ऐसे बहुत सारा स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है लेकिन फिर भी इसमें से कोई बच्चा अगर बुक लेना चाहता है एच का तो आप ले सकते हो एच की बुक देखिए ये सारे जो बुक्स है ना एच के ऊपर वो इंडियन नहीं है फॉरेन राइटर के फॉरेन राइटर में लैंग्वेज काफी सारे टिपिक बहुत टिपिकल होते हैं जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं भाई पढ़ लिया फिर समझ में नहीं आ रहा याद ही नहीं हो रहा तो ऐसी बुक को लेके कोई फायदा है नहीं तो चलिए सर आप सबसे पहले ले सकते हैं रस्तोगी इसके लिए रस्तोगी बुक ले सकते हैं जो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज आपको मिल जाएगा एच के लिए और इसके अंदर भी देखिए एक चीज और मैं बता दू जो भी बुक बाय करेंगे तो ऐसा नहीं है वो प्रॉपर डी के हिसाब से ही बनाया गया उसमें से भी आपको टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ने होंगे क्वेश्चन आप टेन ईयर से सेलेक्ट करेंगे या क्वेश्चन टॉपिक आप जो एसओ का स्टडी मटेरियल है वहां से सेलेक्ट करके उस टॉपिक को कंपेयर करेंगे जहां पे इजी मिलेगा उसके हिसाब से पढ़ेंगे ठीक है चलिए सर अगला हमारा सब्जेक्ट आता है इसी के ऑप्शन में कौन सा सर इसी के प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग यहां पे भी कोई ऐसा कोई ऐसा राइटर है नहीं जो कि आपको बहुत इजीली तो मैं सिंपल सी अगर रिकमेंडेशन करूंगा कि इसमें से आपको कौन सा लेना है तो एक आप ले सकते हैं कपूर कपूर का बुक आता है मार्केट के अंदर दूसरा आपका आता है एक अमर रस्तोग अग्निहोत्री का ये बुक ले सकते हैं अगेन मैं कहूंगा जो भी बुक SOL या डीयू ने जो भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है ये वो बुक्स हैं जिसके अंदर के आपको टॉपिक सेलेक्ट करके ही बनाना पड़ेगा प्रॉपर उसी के लिए बुक नहीं बनाया गया है मैं पहले ये चीजें क्लियर कर दूं सर एक चीज बताना भूल गया सर इसमें क्या पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब कि किस तरीके से ह्यूमन को हम अपने पास जॉब पे रखें क्या क्या चीजें देना चाहिए जॉब एनालिसिस जॉब काम सही से कर रहा है नहीं कर रहा उसके सिलेक्शन ट्रेनिंग किस तरीके से ट्रेनिंग देना चाहिए जॉब इवेल्यूएशन कैसे हम उसके लास्ट में इवेल्यूएट करें हमारा काम बना या फिर नहीं बना इसके अंदर आपका आपका देखेंगे आपका टारगेट मार्केट प्रोडक्शन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन आपने चार पी पढ़ा होगा ट्वेल्थ में तो उसी के जैसा है तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये ले लो तो ज्यादा थोड़ा सा ठीक रहेगा आपका इसके बाद क्या है आपका टारगेटिंग द आपका ब्रांडिंग पे पैकिंग पे लेबलिंग पे तो बिहेवियर मार्केटिंग तो आपको भी लग रहा होगा ये सब चीज़ें तो हम नॉर्मल रियल लाइफ में यूज भी करते हैं और बहुत आसानी से हालांकि दोनों सब्जेक्ट आसान है दोनों में से कोई भी ले सकते हैं बुक टेन ईयर तो सर हर किसी का लेना ही है सर टेन ईयर किसका लेना है देखिए मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा शिवदास का टेन ईयर आता है अवेलेबल है मार्केट में हिंदी में भी अवेलेबल है इंग्लिश में भी अवेलेबल है दोनों है आप वेब शिवदास के टेन ईयर के लिए मैं बुक नाम दे देता हूँ आपको आप नाम लिख लीजिए नंबर दे देता तो हूँ मैं इनसे कांटेक्ट करिएगा क्या नंबर था ग्रीस एक सेकेंड जी सर यहाँ पे है हमारा सेवन ज़ीरो ट्रिपल वन फोर सेवन सिक्स थ्री ज़ीरो ये नंबर है मिस्टर ग्रीस है आपको ये रिस्पॉन्ड कर देंगे कि कौन सा टेन ईयर आपको कुरियर घर पे फैसिलिटी भी अवेलेबल है आप नियर बाई शॉप से भी खरीद सकते हो दोनों चीजें हैं ठीक है सर चलिए सर अगले पॉइंट पे आ जाते हैं अगला हमारा आता है एफएम एफएम यानी दूसरा सब्जेक्ट चूज करना है एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक की बात करेंगे तो सर इसकी बुक सबसे ज्यादा पॉपुलर है आरपी रस्तो की और साथ के साथ टेन ईयर भी लेना है टेन ईयर के अंदर तो सर टेन ईयर की बात करें तो टेन ईयर अगेन शिवदास का रहेगा आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं भी क्लासेस प्रोवाइड करता हूं और आपको टेन ईयर में भी मेरी वीडियो मिल जाएगा जितने भी नोट्स हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टेन ईयर का मतलब इसका सिर्फ टेन ईयर नहीं है इसके अंदर मैंने कम से कम तो पंद्रह बीस साल के क्वेश्चंस पेपर डाल दिए हैं जो कि इनफ टू इनफ है तो उसके हिसाब से मैंने इस टेन ईयर को डिजाइन किया हुआ है तो आप ले सकते हैं वहां पे ऑब्वियस सी बात है इस टेन ईयर के सारे कंटेंट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स मैंने लिखे हुए हैं अगेन शिवदास का टेन ईयर मैं रिकमेंडेशन करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है इसकी क्लासेस भी अवेलेबल क्लासेस की तो हम बाद में बात करेंगे चलिए सर ये कैसा सब्जेक्ट है सर क्या क्या पढ़ेंगे आ, एक बार ये भी देख लेते हैं सर पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक रुपए फ्यूचर में कितने रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा इसके बाद पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग मशीनरी दो दे देंगे दो मशीनरी में से इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर सर शेयर से पैसा लेना चाहिए डिवेंचर से पैसा लेना चाहिए कुछ इस टाइप से वर्किंग कैपिटल यानी आपका वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी करके क्या आएगा तो बहुत सिंपल से सिंपल सिंपल से चैप्टर है और जितने चैप्टर यहाँ पे मेंशन है यही चैप्टर है सर स्कोरिंग है पहले भी मुझसे बच्चे पढ़ते आए हैं और 75 का पहले तो एनुअल मोड में होता है, तो 75 आउट ऑफ 75 भी बहुत सारे बच्चों ने स्कोर किया हुआ है इसके अंदर तो स्कोर करने के लिए ठीक है सर अगला है लेबर पहले एक हमारा सब्जेक्ट हुआ था होता था इंडस्ट्रियल लॉ एंड कंपनसेशन लॉ इंडस्ट्रियल लॉ एंड कंपनसेशन लॉ अब अलग अलग कर दिया गया इंडस्ट्रियल लॉ आपको पहले पढ़ा दिया गया कंपनसेशन लॉ को अलग कर दिया गया सर इसके अंदर क्या पढ़ेंगे आपका इंप्लॉई का कंपनसेशन एक्ट 1923 पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 72 पेमेंट ऑफ Act, दे, दे, बोनस एक्ट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट यानी जो एम्प्लॉई को सैलरी दें वेजेस दें बोनस दें या उसका ईएसआई वगैरह वो सारे लॉ डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा फुल्ली थेटिकल सब्जेक्ट है सर इसके लिए बुक कौन सा लेना चाहिए सर बहुत सारे बुक है वैसे यहाँ पे आप ले सकते हैं इसका बुक एन डी कपूर आपको एन डी कपूर की बुक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है चलती है वो ले सकते हैं लॉ के लिए एन डी कपूर यहाँ पे तो मैंने बुक का भी नाम बता दिया एक एडिशनल में ले सकते हैं सुषमा अरोड़ा भी चलता है लेकिन मैं एनडी कपूर रिकमेंडेशन करूंगा हाँ इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है विद एग्जाम्पल इन्होंने समझाया हुआ है कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है सर ये हमारा दो सब्जेक्ट खत्म हो गया तीसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं एंट्रप्रनियरशिप सर एंटरप्रेनियरशिप के अंदर आपके फिर अगेन देखेंगे बुक का नाम इस तरीके से लिखा हुआ है कि जिसके अंदर आपको राइटर इतने बेटर नहीं मिल पाए और अगेन इसमें से चूज करके लिखना होगा सारे सब्जेक्ट के किस में से से क्या पढ़े नहीं पढ़े नहीं कैसे रहेगा तो इसके अंदर से बुक की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ पांडा का बुक है जो कि अवेलेबल मिल जाएगा आपको मार्केट के अंदर गूगल पे सर्च करोगे या किसी भी पब्लिशर से मंगा लोगे ये पढ़ सकते हो मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा ये सिर्फ डी के हिसाब से डिजाइन नहीं है सर ये डिजाइन कॉमनली हर यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ लेते हैं टॉपिक्स आपको एस के बुक में से उठाना है और उसके हिसाब से पढ़ना है तो जो बच्चा जो सब्जेक्ट चूज कर रहा होगा उसके हिसाब से ले लेगा अगला कर लेते हैं पर्सनल फाइनेंस सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस पढ़ना है फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ना है जो कि अकाउंट्स आ जाता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है ये भी अकाउंट्स का पार्ट जाता है पर्सनल टैक्स भी पढ़ना है सर आपको और इंश्योरेंस प्लानिंग भी पढ़ना है रिटायरमेंट प्लानिंग तो यानी एक तरीके से अकाउंट्स और थ्योरी को मिक्स करके एक पूरा एक बंडल बना दिया गया है उस मिक्स बंडल के हिसाब से देखा जाए सर इसके अंदर क्या आएगा प्रैक्टिकल इज रिकमेंडेशन टू डेवलप स्किल रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए है इसके अंदर बुक कौन सा लोगे सर हालांकि इसके लिए भी कोई ऐसे बुक नहीं दे रखा आप एक सिर्फ और सिर्फ सिन्हा मधु की बुक ले सकते हो अगेन इसके अंदर फिर से रेडी रखना है टेक्समैन की आती है उसके अंदर अगेन मैं बोलूंगा टॉपिक वाइज सेलेक्ट करके करोगे सर यह है पर्सनल फाइनेंस कोई बच्चा बोले सर हम पर्सनल फाइनेंस लें या क्या ले तो मैं उस बच्चे को रिकमेंडेशन करूंगा सर आप एंटरप्रीनरशि ले लीजिए टेन ईयर से करिए बहुत अच्छा रहेगा पर्सनल फाइनेंस के अंदर आप फंस जाएंगे और परेशान रहेंगे अननेसेसरी कोई फायदा नहीं रहेगा उसके लिए ठीक है ना फंसने का मतलब सर पढ़ना पड़ेगा जो बच्चे जॉब वाले काफी बच्चे तो जॉब वाले हैं जो हमसे यूट्यूब पे जो ज्यादा देखते हैं वो देखो रेगुलर वाले बच्चे तो हैं ही साथ के साथ जॉब वाले बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी सर इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें इकोनॉमिक्स 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 के बुक के नाम ऐसे ऐसे दे दिए ना डी वालों ने मन तो करता है कि क्या बोले यहाँ टाटा मैग्राओ का बुक दे दिया भैया बहुत टफ लैंग्वेज होता है आपका केस के फेयर ये भी सर आगे यानी इसमें से कोई भी बुक आप उठा के देखेंगे सर टॉपिक उठाना पड़ेगा तो इससे अच्छा आप यहाँ पे एक बुक आता है आईसी सी ढींगरा या फिर सर टी आर जैन आता है जो आपने नाम सुना है ये ले सकते हैं दूसरा टेन ईयर ले सकते हैं यहाँ पे इसके इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी चल रही है बहुत नॉमिनल चार्जेस पे क्लासेस चल रही है पूरा नोट्स प्रोवाइड होगा और उसके अकॉर्डिंग कराया जा रहा है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं लिंक में सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो सर ये हमारे थे पाँच के चार के चार सब्जेक्ट के कौन से पेपर लेने चाहिए होपफुली आपको हेल्प मिलेगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट हम ऑनर्स की अगली वीडियो लेके आएंगे छठे सेमेस्टर का सब्जेक्ट इसलिए डिस्कस नहीं है कौन से राइटर का क्योंकि आपने लेना नहीं है सिर्फ मैंने सब्जेक्ट आपको बता दिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच गुड नाइट टेक केयर बाय बाय